Welcome back everyone, a very good morning, good afternoon, whatever is the time. I don't know that at what time you are watching this video. एक बार फिर से मैं आई हूँ 10 MCQs लेके दोबारा. लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 10 MCQs किए थे जो कि बहुत ईजी थे, हमने बहुत ईजिली किए थे. सिमिलरली 10 MCQs हम एक बार फिर से करेंगे. वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, बहुत कम टाइम बचा है, या फिर जितने भी मिड टर्म एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें उनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, उनको लगता है कि नहीं हमने पढ़ा तो मतलब कंटेंट तो इतना था बट हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स सफ़र कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस सीरीज़ को आप फॉलो करें. इसको फॉलो करते हुए आपको खुद में ही फील होगा, यू विल रियलाइज बाय योरसेल्फ दैट हाउ मच यूजफुल इट इज़. जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं, उनके पास रिसोर्सेस की कमी थी, पैंडमिक था, एवरीबडी नो दैट एवरीबडी वाज सफरिंग एट डिफरेंट लेवल. सो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सो वंस अगेन लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आई विल यूज माई ओल्ड ट्रिक. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन यू हैव टू सी 4 ऑप्शंस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज 1 ऑप्शन वाइजली. इंसीजर्स टेक पार्ट इन. अब इंसीजर हो गया, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीथ और टूथ. सो इंसीजर्स टेक्स पार्ट इन ग्राइंडिंग, कटिंग, टियरिंग, क्रशिंग. I hope everybody is able to give this answer. This is so easy. You are studying from grade 6. Incisor is the frontal part of the teeth. Okay, the front teeth of the jaw is known as incisors. Incisors are basically useful for cutting and biting. Suppose whatever thing I have to eat, suppose this is, let us consider this is chocolate. I have to eat it. So what I will do? I will keep it in my mouth and then I will bite it. Unfortunately, this is not going to be broken because it is a pen. So we will keep it in our mouth. हम अपने mouth में रखेंगे और उसको तोड़ देंगे, bite करेंगे. So कौन सा teeth ऐसा है जो कि biting में help करेगा? तो that is incisor. So cutting and biting will be the correct option. Let me write one more word so that you don't get confused. क्योंकि options तो कुछ भी हो सकते हैं. Maybe option change हो जाए. Okay, so this was question number 11. Moving towards question number 12, emulsification of fat is carried out by. Questions को दोबारा पढ़ें. Emulsification of fat. क्यों नहीं लिखा है digestion of fat? क्यों ये नया नया सब word आ रहा है? क्या है reason? Emulsification हम केवल fat में use करते हैं ये term. क्यों use करते हैं? डाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है. देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ. जब क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तभी ऑप्शंस तक आप सही में पहुँच सकते हो. करेक्ट ऑप्शन देन ओनली यू विल नो व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस करेक्टली. ओके, सो डाइजेशन का मतलब होता है स्मॉल, यू कैन से नॉट स्मॉल, अ लार्ज पीस ऑफ मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल. चलो इसको ब्रेक कर दिया हमने, इसको कर दिया डाइजेस्ट. ये हो गया हमारा डाइजेस्ट. But here we are using the word emulsification. So suppose this is a fat molecule. This is a fat. Smaller unit of fat is fatty acid. तो एक फैट का मॉलिक्यूल है छोटा सा और उसको जो है हमें करना है emulsification, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है. मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फैट है ना, उसको छोटे से emulsification कर देना. तो emulsification means squeeze. Suppose this is a fat molecule and then it squeeze and it becomes little smaller. So it will become like this. So fat is always emulsified. So emulsification of fat is carried out by. चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और उन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद गलत वालों को क्या करना है? टाटा बाय बाय, हमें हटा देना है और इस तरह से हम सही ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे. सो इजी. फर्स्ट इज लाइपेज. एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स. लिपिड्स के डाइजेशन में मदद करेगा. Amylase will help in the digestion of starch into maltose. P for pepsin, P for protein, P for pepsin, P for protein. सो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ओके, प्रोटीन को तोड़ देगा उसके छोटे छोटे यूनिट में, दैट इज नोन एज अमाइनो एसिड। और ट्रिप्सिन क्या है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों सिबलिंग्स हैं, और वी कैन अंडरस्टैंड दे आर कजन्स फ्रॉम डिफरेंट मदर। फंक्शन दोनों का सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है। पेप्सिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टमक, ट्रिप्सिन इज ओरिजिनेटेड intestine, okay? So trypsin will also help in the digestion of protein. So ये तीन options जो हैं, amylase, pepsin, trypsin, these three are wrong. Fat is a long, या फिर we can understand fat is made up of fatty acid. Lipid is a long chain of triglycerides. So lipids जो होगा वो हमारे fat का ही एक form है, and that is digested, that is emulsified by the help of lipase. So lipase will be the correct answer. So moving towards the question number 13. Read the question once again. We are on the structure and function of teeth. Number of molars that can be present in an adult human is. What are the things that you have to focus? The thing is नंबर ऑफ मोलर, पहली चीज। एडल्ट ह्यूमन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एडल्ट पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग, द क्वेश्चन इज टॉकिंग। सो एडल्ट ह्यूमन मतलब हो गया कि हमें परमानेंट टीथ के बारे में समझना है, ओके। परमानेंट टीथ आर दोस टीथ विच आर प्रेजेंट इन एडल्ट। सो ऑप्शंस देखते हैं 6, 3, 8, 12। मोलर्स पीछे वाले दांत होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं, चबाते हैं कोई चीज। यू नीड टू ग्राइंड समथिंग, ग्राइंडिंग इज डन बाय मोलर्स। सो एडल्ट में नंबर ऑफ मोलर्स हो जाएगा 12। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। 4 हमारे हो गए इंसीजर्स इन बोथ द जॉज। सो व्हाट आई विल डू, I will firstly write I. So 4 I in the upper jaw, 4 I in the lower jaw. After this, there are canines that is used for tearing. So canines are 2, 2. C. 2 C in the upper jaw, 2 C in the lower jaw. After that, there will be premolars. Let me change it. Oh, I will take it green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 4 premolars upper jaw, 4 premolars lower jaw. तो total कितना हो गया 8. Okay. Now the most master teeth of the permanent teeth, pinkish color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 6 molars in the upper jaw, 6 molars in the lower jaw. So total हो गया 12 molars. If you count all them, they all will become 32. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in the upper jaw. Same 16 in the lower jaw. 16 plus 16 will become 32. That is known as 32C. Okay, so whenever you will smile, so what? I am not able to expose my all the 32 teeth. So normally we have 32 teeth in permanent teeth, out of which 12 are molars. इस explanation से मुझे ऐसा लगता है कि अगर structure of teeth में number पे कुछ question आ जाए, number मतलब कितने incisor हैं, कितने canine हैं, कितने upper jaw में हैं, कितने lower jaw में हैं. So I think that all the queries has been resolved in this one question. Yes or no? If you think that yes, then you can reply it as well as you can feel it also. चलो question number 14 पे बढ़ते हैं। 14वां question क्या कहता है हमारा? Digestion does not occur in. Questions को carefully क्यों पढ़ना है? Does not. It's not asking that it's occurring. No, it does not occur in. सो स्टमक में होगा हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा, जो कि क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करना ही है। अगर आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, या तो कुछ नहीं करना है तो आओ ही मत, रहो ही मत, अगर हो तो कुछ करो। सो स्टमक ने तो दे दिया गैस्ट्रिक जूस, तो कुछ तो करेगा, तो ये हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक तो अपना इंटेस्टाइनल जूस खुद का है, भाई हम अपना खुद का रिलीज कर रहे हैं. सपोज आई एम स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने अपना जूस रिलीज किया इंटेस्टाइनल जूस. इसके साथ मेरे दो फ्रेंड्स हैं विच आर सपोर्टिंग मी इन माई वर्क. वन इज पैनक्रियास एंड वन इज लीवर. सो लीवर इज गिविंग बाइल जूस, पैनक्रियास इज गिविंग पैनक्रियाटिक जूस. सो तीनों मिलके क्या करेंगे, ढिशुम ढिशुम. इट मीन्स दे विल स्टार्ट डूइंग डाइजेशन, दे विल ब्रेक द बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल. ओके, सो इनका भी हो गया, भाई आए हैं तो कुछ करके जाएंगे. ओके, सो इंटेस्टाइनल जूस इसके पास हो गया, और क्या है, बाइल जूस हो गया. मैं सब लिखते जा रही हूँ, सब आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो सीखोगे, लर्निंग बाय डूइंग. और थर्ड, ये भी तो चला गया, फिर स्टमक को भी हम कह देते हैं कि नहीं डाइजेशन हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा. स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा. माउथ भी डाइजेशन कर रहा है, क्योंकि माउथ में है हमारे पास सलाइवा गाइस, सलाइवा में है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज. तो ये तीनों तो क्वेश्चन के साथ मैच कहीं से भी कर नहीं रहे हैं. सो वी विल से दैट यू कैन गो होम, यू हैव वर्क टू डू, सो यू गो एंड डू. ओके, सो बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसोफेगस. तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा. इफ यू रिमेंबर, एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. और इस एसोफेगस में जैसे ही कोई फूड आएगा उसका एक नया नाम पड़ जाएगा, नामकरण हो जाएगा, दैट इज नोन एज बोलस. तो फूड का क्या नाम हो गया, बोलस. चले तो थे फूड बनके, बट बीच में चलते चलते कारवा बदल गया, कारवा मिल गया, उसके बाद उसको कुछ ऐसा अलग सा नाम मिल गया, दैट इज नोन एज बोलस. अब ये बोलस जो है ना, ये फूड है एक्चुअली, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा जाएगा, एक मूवमेंट होगा इसमें, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपल्शन के मदद से फूड ऊपर से नीचे आ जाएगा, बोलस है. ऐसे फूड है, ऐसे ऐसे करते 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 करते, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऐसे करते 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 ये नीचे आ जाएगा. सो बट इसमें बस फूड ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं पे कोई डाइजेस्टिव जूस, कहीं पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होती है, एंड दैट इज द रीजन दैट डाइजेशन एसोफेगस में बिल्कुल नहीं होता. इट इज जस्ट ऑलमोस्ट जीरो. सो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. ओके, so many concept we have learned in this question. Moving towards question number 15. Nutrition of amoeba is, amoeba एक unicellular organism है. इसको देखते ही फटाफट drawing हो जाती है, क्योंकि ये regular shape के हैं, तो इनमें कैसा होगा nutrition? Autotrophic? No, it like they does not have chlorophyll guys. तो जब chlorophyll ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? So they have to be dependent on others. They does not eat dead and decaying matter. So this option is also wrong. They are not going to suck blood. They are not going to feed upon the cells of other body. No. So they are also not parasitic. What they will do? They have this pseudopodia guys. These pseudopodia will help this amoeba to do like this. Simply moving here and there. ऐसे ऐसे करेगा. ये pseudopodia. Suppose this is amoeba, irregular. Let us assume. और ये ऐसे ऐसे करते 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 इधर उधर घूमता रहेगा. जैसे इसको फूड मिलेगा ये फूड को ट्रैप कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ दीज सीडोपोडिया. अब जैसे ही सीडोपोडिया ने फूड एंटर कर लिया अपनी बॉडी में, फूड वैक्यूल बन जाएगा. सो दिस इज मेथड इन विच अ कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पीसेज. दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन दैट इज होलोजोइक. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसका अमीबा का. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, नया ही है हमारे लिए. लाइट वेव्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. कौन सी लाइट वेव में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी? सो इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ प्रिज्म के अंदर एक लाइट जाती है वाइट वाली, जो ऐसे करके ना 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, VIBGYOR, जिसको हम कहते हैं विबग्योर. विबग्योर में जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जस्ट बिकॉज इट हैव हाई वेवलेंथ इट विल सपोर्ट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. ओके, इट विल सपोर्ट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. सो रेड इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17. In human डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, माउथ में नहीं होगा। माउथ में किसका डाइजेशन हो जाएगा? स्टार्च। माउथ में किसका डाइजेशन होगा? स्टार्च। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Ileum is a part of duodenum, jejunum, ileum, not a small c. Duodenum and ileum, they all are part of intestine. Mouth, everybody know, starch digestion होगा क्योंकि saliva होगा। Protein का digestion सबसे पहले start होगा stomach में। कैसे होगा? Gastric juice release होंगे। इसको यहीं पे समझ लेते हैं फटाफट। Stomach है तो gastric juice release करेगा। Gastric juice में होता है एक और चीज आ जाएगा dilute hydrochloric acid। अब सब लोग सोचेंगे मैम एसिड का क्या काम है, एसिड क्या करेगा? एसिड ये करेगा कि एक एंजाइम होती है गैस्ट्रिक जूस में जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, सो रहा है, नींद में है, स्लीपिंग। अब इनको नींद से उठाना है। जैसे अभी तक जो बच्चे बिल्कुल सो रहे हैं निश्चिंत होके कि हाँ अभी एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, तो उनके लिए ऐसे कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स आके यू हैव टू स्टडी, सो उनको क्या नींद से उठाया जा रहा है। तो सिमिलरली पेप्सिनोजेन इज ऑल्सो इनएक्टिव एंड वी हैव टू वेक हिम। तो उसके पास हमको देना पड़ेगा डायल्यूट HCl। जब उसको डायल्यूट HCl मिल जाएगा देन क्विकली दिस पेप्सिनोजेन विल बिकम पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन का। एक्टिव ये कब हुआ है? जब इसको मिला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे इसको पेप्सिन एक्टिव हो गया, अब ये पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट्स स्टार्टेड इन स्टमक। अंडरस्टूड? लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Question number 18. Proteolytic enzymes of pancreatic juices. Proteolytic means it will help in the digestion of protein. Stomach में नहीं पूछा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। पैनक्रियाटिक जूस में पूछा है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है स्टमक के पीछे, लीवर के नीचे। सो पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो, उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा? सो दैट द करेक्ट आंसर इज ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो स्टमक का है, हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया है। सो इसको मैं कर दूंगी बाहर। ओके, आप भी कर दोगे इसको बाहर। सी ऑप्शन अमाइलेज जो होगा ना वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, तो ये भी गए भाई, फील्ड से बाहर हो गए, ये भी आउट। लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, तो ये भी आउट ऑफ द गेम है। सो करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो दिस इज ट्रिप्सिन। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। थोड़ा सा कुछ ऐसे नया दिख रहा है। क्या है? विच वन इज एनाबॉलिक। अब यहीं पे समझ लेते हैं क्या होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक होता है एक ऐसा process that absorbs energy, so एक ऐसा process जो energy को absorb करे तभी वो हो पाएगा start। एक ऐसा process जो energy को absorb करे अपने start होने के लिए। एक ऐसा mechanism जिसको थोड़ी energy की जरूरत है ताकि वो चालू हो सके, ताकि वो चल सके। So respiration, no, respiration always release energy, so this is wrong. Digestion, breakdown of food होगा, उससे भी एनर्जी रिलीज ही होगी, हमको एनर्जी मिलेगी जब हम खाना खाएंगे। तो जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होने के बाद हमें ATP मिलेगा रेस्पिरेशन की मदद से। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल की मदद से, तो होगा क्या? ये C6H12O6 एक ग्लूकोज बना लेगा और इस ग्लूकोज को बनाने के बाद वो रिलीज करेगा ऑक्सीजन गैस। सो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो हो रहा है, बट इसको चाहिए एक एनर्जी जो कि है सोलर एनर्जी, दैट इज नोन एज सनलाइट। विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। विदाउट सनलाइट, विदाउट क्लोरोफिल ये सब प्रोसेस स्टार्ट नहीं होंगे। सो फोटोसिंथेसिस ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी गाइस। Photosynthesis always require energy, and what is that energy form? It is solar energy. So जैसे ही फोटोसिंथेसिस को या फिर जैसे ही प्लांट्स को सोलर एनर्जी मिलेगा और ऑलरेडी उनके पास एबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो वो तुरंत स्टार्ट कर देंगे फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस. एसेंट ऑफ सैप एक वाटर कंडक्शन का मैकेनिज्म है दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट. सो ये सर्कुलेशन से रिलेटेड टॉपिक हो गया. सो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस. चलें आगे. कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जितनी भी दिक्कतें हैं सब सॉल्व हो जाएंगी. ध्यान लगा के एमसीक्यू पढ़ो. देखो एकदम उसी से रिलेटेड नया क्वेश्चन. अब कैटाबॉलिक प्रोसेसेस. कैटाबॉलिक हो गया एनर्जी रिलीजिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, एनर्जी रिलीज होके बाहर चली जाए. एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल नहीं, इसमें तो एब्जॉर्ब ही हो रहा है ना, तो कैसे होगा? तो ये भी गया. एसेंट ऑफ सैप आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म. रेस्पिरेशन करेक्ट. रेस्पिरेशन में क्या होगा, C6H12O6 फूड को मिलेगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये ब्रेक डाउन कर देगा CO2H2O plus 38 ATP. ATP is the energy currency of the cell. Okay, understood? So energy release हो रही है. So it is a catabolic process that is respiration. Assimilation is something different. How is assimilation different? Assimilation is a part of digestive system. और यू कैन सी अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, एक स्टेप है डाइजेशन में जिसमें जो ब्लड जो कैरी कर रहा है न्यूट्रिएंट वो सारा सेल में चला जाएगा. तो इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन. सो करेक्ट आंसर विल बी रेस्पिरेशन. सो आज ऐसे ही हमने स्लो स्लो, जल्दी जल्दी जल्दी, या फिर कह लो स्लो स्लो, जैसा भी जिसका रेट है पढ़ने का, जिसकी जो स्पीड है, हम उस हिसाब से शुरू कर रहे हैं. हमने 2 वीडियोज कंप्लीट कर लिए हैं एंड अगले तीसरे वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे और MCQs की. सो इन ऑर्डर टू गेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ फियर दैट यू हैव फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस सीरीज वंस अगेन. आई विल वेलकम यू for the next video. Till then, please study. You have to take your book and you have to study all the important points. Go through the lectures, go through the diagrams. Till then, thank you, take care and bye-bye.